ठगी के अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। ठगी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। कॉल सेंटर पर पुलिस ने छापा मारते हुए बड़ी कार्रवाई की है। लगातार विस्तार न्यूज भी इस मुहिम को चला रहा है, लोगों को जागरूक करते हुए प्रशासन से पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहा है। और इसी कड़ी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। दस्तावेज को एडिट करके यहाँ पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाए जा रहे थे कॉल सेंटर पर, और फिर फर्जी डॉक्यूमेंट बैंक अकाउंट और सिम के जरिए जो है लोगों को ठगा जा रहा था। ठग जो है इन सभी चीजों को, सभी जो दस्तावेज है उनको बेच दिया करते थे कमीशन के नाम पर लखनऊ, मुंबई और इंदौर में अलग अलग लोगों को, और वहां से फिर ठगी का एक बड़ा नेक्सस ऑपरेट हो रहा था। सूरज तिवारी मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए इस खबर पर। सूरज, आपको ज्यादा जानकारी देंगे, समझा पाएंगे। सूरज, ये बहुत बड़ा नेक्सस जो है उसका भंडाफोड़ किया गया है, और राजधानी भोपाल में बीते दिनों हमने देखा है कार्रवाइयां भी बढ़ी हैं, लेकिन साथ ही साथ जो ठगी की घटनाएं हैं वो भी बढ़ रही हैं। देखिए पारो, निश्चित तौर पर जिस तरह से बड़े गिरोह का जो पुलिस है पर्दाफाश किया और 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, अंतरराज्यीय गिरोह चलाते थे, बिहार के रहने वाले थे, तमाम तरह के आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो या फिर बैंक अकाउंट्स हो, फर्जी डॉक्यूमेंट्स का उपयोग करके बनाते थे, और कुछ ही समय बाद भोपाल पुलिस कमिश्नर मीडिया से बातचीत करेंगे तो तमाम जो चीज़ें उसका खुलासा करेंगे। लेकिन ये देखिए, मोबाइल से लेकर लैपटॉप हो, आधार कार्ड हो और फिर SBI के अलग अलग बैंक अकाउंट्स हैं, डेबिट कार्ड है, तमाम चीज़ें यहाँ पर पैन कार्ड से लेकर रखी गई हैं, और इन्हीं चीजों को फर्जीवाड़ा करके बनाते थे और ये जो है अलग अलग लोगों को बेचते भी थे। ये जो गिरोह है पूरा भोपाल से चलता था। 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, और जिस तरह से आप देखिए लगातार डिजिटल अरेस्ट के मामले बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स का उपयोग किया जाता है और फिर उसके बाद आरोपी जो है इन्हें बेचते हैं। आप आधार कार्ड को देखिए, प्रिंटर मशीन भी बकायदे यहां पर लाई गई है, उसके अलावा प्रिंटर मशीन के अलावा तमाम वो सामान है जो आरोपी उपयोग करते थे, पुलिस ने बरामद किया है। और कुछ ही समय बाद जब भोपाल पुलिस कमिश्नर PC करेंगे तब ये बताएंगे कि आखिरकार पूरा नेटवर्क जो है उसका सरगना कौन था और किस तरह से पूरा नेटवर्क संचालित होता था, कहां कहां तक ये नेटवर्क फैला था। क्योंकि इन बड़े बड़े शहरों में तो पता चला, इंदौर हो, लखनऊ हो या फिर अलग अलग शहर हो, बिहार के रहने वाले थे, लेकिन पूरा जो नेटवर्क चलाते थे राजधानी भोपाल से चलाते थे और यहीं पर किराया कमरा लेकर रहते थे। भोपाल अलग जमताड़ा बनते जा रहा था। हालांकि इस पर भोपाल पुलिस कमिश्नर ने भी कहा था कि वो इन सभी मामलों पर कार्रवाई करेंगे और युद्ध स्तर पर कार्रवाई हो भी रही है। दूसरा जमताड़ा जो है वो भोपाल को बनने नहीं दिया जाएगा। इसी कड़ी में ये बड़ा एक्शन लिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए, तमाम तस्वीरों के लिए सूरज।